Dr. Hussain Shaheed sir was the same. Dagi da Balin Nawra is the Dagi Mustafa from Vida University of Edinburgh, MS of LD, degree Pedida. When the visiting professor the Edinburgh University came. Oh, Aziz Sadi Nagyari for Peshawar University, IR department, associate professor. Nadi Lug Wakpas, Yashimapas, Mayshala, Kitabuna Razi, Pakistan, Taliban, and the War on Terror. One. Second, Pak US relation during Cold War and the War on Terror. That is the Kitabuna, inshallah, affected the Yashimakibarosi, Muzos, Badana Warko, Dr. Hussain Shaheed Sarwadi, Shahirashi, or the Purukarati. में आप क्या देखें, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे? पीस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट मतलब एक ख्याल है, बाज लोगों पर ये अमली तौर पर होता है और बाज लोगों जगहों पर नहीं होता। हर शख्स ने पीस के कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया और कुछ लोग कहते हैं कि हम जंग को खत्म करना चाहते हैं ताकि अमन आ जाए। हैरत की बात यह है कि हम अक्सर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि एक वो चीज़ जो मनफी है उससे मुस्बत पैदा हो जाए। वी आर बिगिनिंग द वॉर टू ब्रिंग पीस। जंग इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि अमन आ जाए। एक चीज़ जो दूसरे की जिद है वो अमन के वो कैसे ला सकती है उसको? जंग और अमन एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, लिहाजा अमन किसी सूरत में भी जंग के बाद नहीं आ सकता। अमन अमन से ही आ सकता है। ओह यस, ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमारी कुछ इस तरह की पॉलिसीज हो कॉन्फ्लिक्ट झगड़े पर बेस करने वाले, जिसकी वजह से कि अमन अमन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। एक किंग ऑफ लीजा आज से 1500 साल कबल एक साहब थे, किंग थे वो, और कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की के पास एक जगह थी, वहाँ पर एक मुल्क होता था, लीडा उसका नाम था। वो आज से कुछ अर्सा कबल यानी 1500 साल कबल कुछ कह गए आज फिर मेरे लिए, हम पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं। कहते नो वन इज सेंसलेस टू चूज ऑफ हिज ओन फ्री विल वॉर रादर देन पीस, सिंस इन पीस sons bury their fathers, whereas in war, fathers bury their sons. कोई इतना अहमत नहीं हो सकता कि वो जंग की के अमन की जगह वो जंग को मंतखब करे, क्योंकि अमन में बच्चे उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनको दफना देते हैं, जबकि जंग की वजह से बूढ़े माँ बाप जवान बच्चों को दफनाते हैं। तो इस वजह से कोई इतना अहमत नहीं होगा कि वो अमन की जगह जंग को मुंतखब करे। इस कॉन्सेप्ट से हमें इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है? हमें मालूम ये हो रहा है कि इंसानियत ने कभी भी किसी भी ज़माने में अमन को रिजेक्ट नहीं किया है, उसको हमेशा पसंद किया है। अलबत्त जंग को एक 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 कॉन्सेप्ट है जिसको कि उन्होंने रिजेक्ट किया है। What is peace then? Is it merely the absence of war? क्या सिर्फ जंग का ना होना है अमन होता है? इसके और क्या मतलब हो सकते हैं? सियासी मतलब क्या हो सकते हैं? इसके माशी मतलब क्या हो सकते हैं? इसके माशरती मतलब क्या हो सकते हैं? इसके बहुत से मतलब हैं। हम उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखेंगे या क्या हम मतलब ड्रॉ कर सकते हैं? पीस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोसाइटी इन अ सोसाइटी एज अ रिलेशनशिप दैट इज ऑपरेटिंग हार्मोनियसली एंड विदाउट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी सोसाइटी में अगर तशद्दुद नहीं हो रहा है और वो सोसाइटी हारमोनियसली बेहतर तरीके से जो चल रही है, हम उसको अमन कहते हैं। हमारा ख्याल है कि उस जगह पर अमन है। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, हमने उनसे कहा कि क्या आप आजकल के तालिबान हुकूमत को पसंद करते हैं, और ये 1998 की बात है। तो उसने कहा जी, उन दिनों पाकिस्तान में सब पूरा पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। तो हमने जब उनसे पूछा कि आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा हरगिज़ नहीं। और ये हमारे लिए एक बहुत सरप्राइज था। हर शख्स पसंद कर रहा है, ये शख्स पसंद क्यों नहीं कर रहा? तो जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने कहा, और मेरा सवाल बहुत डिफरेंट था, मैंने पूछा कि क्यों, वहाँ पर तो अमन है। तो उसने कहा अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है। That was very dangerous. So therefore, it's very important, हम अमन किसको पसंद समझते हैं? क्या अमन वो हारमोनियस सोसाइटी को में होगा
क्या अमन इस तरीके से होगा कि वहां पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा होगा, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा होगा और उसके बाद अमन होगा, इन तमाम चीजों की वजह से अमन है। मुख्तलिफ किस्म के लोग अमन को मुख्तलिफ तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन बताते हैं कि पीस तब आएगा जब फलस्तीनियंस आराम से रहेंगे अपनी अपनी जगहों पर और उनको कोई मारेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल तालिबान क्या कहते हैं कि जब फॉरन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल जाएंगी तो फिर अमन आ जाएगा। क्या फॉर एग्जाम्पल अमरीका ये कहता है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म हो जाएगी तो अमन आ जाएगा। तो आप देखिए कि अमन भी बताते खुद एक एब्स्ट्रैक्ट है, अमन भी एक कॉन्सेप्ट है, हर शख्स उसको अपने लिहाज से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अमन का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि जो वक्त बदलने के साथ साथ मुख्तलिफ तरह से बदलता है, उसका डेफिनेशन जो है लोगों के साथ साथ जो है बदलती है। देखेंगे हम कि कौन शख्स क्या डिफाइन कर रहा है। तो आप देख लीजिए अलहमदुल्ला तालिबान और अमेरिका मुख्तलिफ तरह से अपने डिफाइन कर रहे हैं। पीस बिल्डिंग किसी भी सोसाइटी में कैसी होती है, अमन कैसे आता है? अमन लाने के लिए किसी भी सोसाइटी में बहुत सी उसके पैरामीटर्स हैं, बहुत सी उसकी प्रीरिक्विजिट्स हैं। हम उन तमाम को सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद वहाँ पर अमन लाएंगे। अमन लाने के लिए ज़रूरी है, यानी पीस बिल्डिंग के लिए स्टेट बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। कोई शख्स भी किसी भी सोसाइटी में लोगों के पास जब खाने को ना हो, यानी बुनियादी तौर पर स्टेट बिल्ड नहीं हो रहा है, जब उनके पास खाने को नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे का गला काटेंगे। और ऐसी सूरत में जबकि लोगों के पास खाने को ना हो, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में अमन हो, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पीस बिल्डिंग के लिए, यानी अमन को बनाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आपको स्टेट का, रियासत का बनाना ज़रूरी है। अगर रियासत नहीं बनी होगी तो अमन वहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। आप पाकिस्तान में देखिए यहाँ पर किस तरीके से वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वायलेंस हो रहा है। अमेरिका में ऐसा वायलेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर स्टेट बिल्ड कर चुकी है, वहाँ स्टेट बन चुकी है, स्टेट ने लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं। वो उनको नौकरियाँ देते हैं, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें देते हैं, घर में सजाने के लिए तमाम फर्नीचर उनको मिलता है और फिर बुनियादी तौर पर शदीद सर्दी है तो उनको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दिया जाता है और अगर शदीद गर्मी है तो उनको एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया जाता है। और ये तमाम चीज़ें उनकी जो भी तनख्वाह है, यानी एक मजदूर आदमी की जो तनख्वाह है उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। एक अमीर आदमी के लिए भी आ जाता है लेकिन एक मजदूर आदमी भी उन तमाम चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान में क्या है, शदीद गर्मी है, एक मजदूर आदमी जो 200 रुपये दिन के कमा रहा है, शदीद गर्मी है और उसके घर में उसके बच्चे रो रहे हों शदीद गर्मी की वजह से, तो वो क्या करेगा? जब शदीद सर्दी है वो घर में हीटर अफोर्ड नहीं कर सकता, 200 रुपये दिन के वो कमा रहा है, वो अपने बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएगा? ये वो सूरत है जबकि वो घर से बाहर निकलता है और डाका डालता है। अमरीका में अगर किसी शख्स ने डाका डाला तो उसको 8 साल कैद मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, वहां पर इसलिए डाका डालने वाले को कैद मिलती क्योंकि उसको तो तमाम जरूरतें पूरी हो गई थी, फिर उसने कैसे किया ऐसा? आई होप आप समझ रहे हैं कि स्टेट बिल्ड, जब भी किसी सोसाइटी में आप अमन कायम करेंगे तो उससे पहले आपको स्टेट को कायम करना होगा। और स्टेट क्या होता है, तमाम स्टेट वो पुराने बुनियादी जरूरतें जो कि एक इंसान की है उसको वहां पर पूरा करे। Responsibility to protect calls for responsibility to build. यानी जब आप किसी जगह को चाहते हैं कि आप लोगों का ख्याल रखा जाए, आप लोगों का ख्याल करने से पहले हमें इस जगह को बिल्ड करना होगा, इस जगह को बनाना होगा। हमारा मसला ये है कि हम उन जगहों को बना नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया तो उसने सबसे पहले तालिबान को डिफीट किया 2 महीनों के अंदर अंदर। अभी एक सियासी बात हो जाएगी अगले जो मेरी जो 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 प्रेजेंटेशन है पीस के बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उसमें ये बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ 2 महीनों में उन्होंने तालिबान को डिफीट कर दिया, आप सब लोगों ने देखा। और उसके बाद अमन बरकरार कर लिया, बदकिस्मती से नहीं। तो अमरीकी बहुत अच्छे हैं जंग जीतने में, 2 महीने में जीत जाते हैं और फिर अगले 10 सालों के लिए अमन हार देते हैं। दे आर गुड एट विनिंग वॉर्स, दे आर बैड इन विनिंग पीस। दे विन वॉर, दे लूज पीस। 2 महीने में जंग जीत ली लेकिन उससे अगले 10 साल तक अभी तक वो अमन नहीं बरकरार कर सके। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, ये दूसरे हिस्सा है, मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगा। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, इस वक्त अगर आप देखिए तो वो जो ही अमरीका अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं सबसे पहले उन्होंने स्टेट बिल्डिंग शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होगी,
उसमें मिनिस्टर क्या होगा, मिनिस्टर का क्या स्टाफ होगा, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग क्या होगी, क्या वो करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या है, उसकी बिल्डिंग बना दी उन्होंने, उनको किस तरह से काम करना है। एंड इन दिस वे दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी, उन्होंने अफगानिस्तान की सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। तो आज आप देख लीजिए, आज से 10 साल कबल, मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस मेरे से एग्री करेंगे, 10 साल कबल सारा अफगानिस्तान पाकिस्तान आने को तैयार था कि यहाँ पर नौकरी है, और आज हर शख्स जाने को तैयार है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी लुक्रेटिव जॉब्स हैं और आपको डॉलर्स में पे किया जा रहा है। तो यू अंडरस्टैंड, उन्होंने स्टेट बिल्ड कर दी है, और ये जरूरी है कि जब आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले स्टेट को बिल्ड करें। लिहाजा अमरीकियों ने इस चीज पर खासतौर से फोकस किया कि अगर वो समझते हैं कि अमरीका अफगानिस्तान से महफूज रहे, अफगानिस्तान में कोई ऐसा शख्स ना है जो अमरीका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो उन्होंने कहा कि पहले अफगानिस्तान को कंस्ट्रक्ट करना होगा, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। So, long-term commitment requires for successful peace building is often lacking. Successful peace building, अगर हम peace building के लिए करना चाहें, तो इसके लिए long-term commitment की हमें ज़रूरत हो। Long-term commitment किस तरीके से हो? आजकल अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान से, उसका यहाँ पर स्टे लंबा हो गया है, और लंबे स्टे की वजह से अमेरिका परेशान हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कोई यहाँ फंस जाए, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जाए यहाँ से। जल्दी जाने की वजूहत क्या है? उसकी कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं जल्दी में। और जब भी एंड में आप किसी काम को जल्दी में छोड़कर जाएंगे, तो जो कुछ आपने उधर हासिल किया है आखिर में उसको आग लगा देंगे। ये अमरीका इस वक्त कर रहा है। अमरीका अगर यहाँ से चला गया सन 1992 की तरह, तो जैसे उस जमाने में हमें भुगतना पड़ा था, 2014 के बाद एक दफा फिर हमें भुगतना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए कि अमेरिका को रोक कर रखे, जो यहाँ पर आपने आने से जो अमन की एफर्ट शुरू की थी, या ब्रैकेट में जो आपने यहाँ पर गन फैलाया है, ये सारे को साफ करके जाएं, हमारे लिए कोई ऐसी चीज ना छोड़ें जैसे कि 1992 में आपने छोड़ी थी, और फिर हम उसको भुगतते रहे। मुझे यकीन है इससे काफी सवाल उभरेंगे, और मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगा। इनिशियली गेन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सपोर्ट, शुरू शुरू में क्या होता है, डोमेस्टिक यानी मुल्क के लिहाज से और इंटरनेशनली आपको काफी सपोर्ट मिलती है जब आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं। फिर उसके बाद कैजुअलिटीज, लोग मरते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वक्त तक वॉर ऑन टेरर पर कितना खर्चा आ चुका है तो बता दे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $3 trillion, और ये मैं आपको एग्जैक्टली एक महीना 25 दिन पहले के डिजिट बता रहा हूँ, मुझे अभी उसके इस दौरान में मालूम नहीं है, और बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट है इस वजह से मुझे इसे मेटाक्लसली देखना पड़ता है। लिहाजा तकरीबन 2 महीने पहले $3 trillion था, मुझे नहीं मालूम कि 2 महीनों के दौरान क्या हुआ है। लिहाजा एक कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, जब आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं उस मुल्क को बनाने के लिए, तो वहाँ पर कैजुअलिटीज होती हैं, लोग मरते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, और उस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है अपने मुल्क का कि जी भागे वहां से, जैसे कि अमेरिका के ऊपर बढ़ गए इस वक्त, अमेरिकियों ने कर दिया। दिस कैन लीड स्टेट्स रश फॉर एन एग्जिट, इलेक्शंस इन रशिया रिजल्ट इन अनदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और उसके बाद इराक और अफगानिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं बदनामे जमाना वो हो जाते हैं, लोग उनको भी नहीं मानते हैं, लेकिन बहरहाल उनको जोरी से मजबूत बनाकर हम वहां से निकल जाते हैं, जैसे कि इराक में हुआ और जैसे कि इस वक्त अफगानिस्तान में प्लान हो रहा है। आप बोस्निया में देख लीजिए, एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हुई बोस्निया में, यानी हम अमन की बात कर रहे हैं, दो ग्रुप ने के दरमियान लड़ाई हुई, एक मुसलमान था और एक सर्ब, दोनों के दरमियान जंग हुई, और आखिर में हमने उन्हें एक फॉर्मूला दिया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा मुसलमान, सर्ब और क्रोट, प्रेसिडेंट जो है वो 6 साल का होगा, 2 साल मुसलमान रहेगा, 2 साल सर्ब और 2 साल क्रोट, और ये 2-2 साल करने के बाद लड़ाई किसके दरमियान हुई थी, इन तीनों की आपस में, हमने उन तीनों को शेयर दे दिया, यानी आपने उस जंग को लेजिटिमाइज कर दिया, यानी जिस शख्स ने कत्लेआम किया था वो आपके साथ बैठेगा। ये वो जगह जहां पर के पीस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो पीस पढ़ते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इस शख्स ने मेरे 20,000 लोग मार दिए, आपने इसको मेरे साथ लाके बिठा दिया, आपने तो इसको मेरे साथ शेयर होल्डर बना दिया। तो आप अंदाजा कर रहे हैं ये अमन का जो कॉन्सेप्ट है कितना इंट्रीकिंग है, यानी कितना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। लेजिटिमेसी, फेलिंग स्टेट्स पोज अ ग्रेटर मेनिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू द यूएस इंटरेस्ट देन कंक्वरिंग वंस। जो स्टेट्स फेल होती हैं, फेल्ड स्टेट्स,
वो अमेरिका के इंटरेस्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं बनिस्बत उनके जिनको कि अमेरिका को पाई कर लेता है, लिहाजा फेलिंग स्टेट्स की तरफ अमेरिका ज्यादा जाता है ताकि वहां पर अमन कायम किया जा सके। मुख्तलिफ तरह से हमने मुख्तलिफ किस्म की केसेस देखे हैं जिनमें कि लोग अमन को चैलेंज कर रहे हैं। मसलन एक तरफ वो देखते हैं कि ईस्ट टिमोर में जो क्रिश्चियन ज्यादा थे तो उनको सेपरेट मुल्क मिल गया। दूसरी तरफ हम कोसोवो को देखते हैं जहां पर के मुसलमान ज्यादा थे, उनके ऊपर सर्बियंस का जो है कब्जा था, लेकिन उनको अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर स्टेटस नहीं दिया गया। तो वो लोग जो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, यानी वो बायस नहीं है, वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये मजहब की वजह तो नहीं थी। ईस्ट टिमोर को आजाद इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन था, और कोसोवो को इसलिए आजाद नहीं किया जा रहा क्योंकि वो मुसलमान है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि हमने ईस्ट टिमोर को क्यों आजाद किया और कोसोवो को क्यों नहीं आजाद किया। ईस्ट टिमोर में क्रिश्चियंस थे, कोसोवो में मुस्लिम थे, फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन आपने उसको आजाद क्यों किया और इसको आजाद क्यों नहीं किया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजहब पर यकीन रखते हैं और वो ये समझते हैं कि मजहब एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ईस्ट टिमोर को आजाद किया गया और कोसोवो को नहीं किया गया। पीस मिशन बिल्डिंग्स आर मेकिंग वेरी कॉस्टली नाउ। आजकल जो अमन के लिहाज से जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं हर लिहाज से, और बहुत डिमांडिंग भी है। मतलब हर मुल्क चाहता है कि किस तरीके से वहां पर भी अमन आए, मिशन आए, ताकि अमन जो है वहां पर भी कायम हो। ह्यूजली कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट दैट परहैप्स इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट यट रेडी टू अप्रोच। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से इराक में अमन लाया गया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमन लाया गया, बहुत से लोग इससे नाराज हैं और वो समझते हैं कि ये पीस नहीं था अल्टीमेटली, वो कुछ और कॉन्सेप्ट होने चाहिए थे। और जिस तरीके से कोसोवो में अमन लाया गया ये बताते खुद एक चैलेंज है, या ईस्ट टिमोर में जिस तरीके से अमन लाया गया ये भी एक चैलेंज है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। हम समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय इस लिहाज से कि अमन है क्या और किस तरीके से इसको लाया जाना चाहिए। थैंक यू, हमारी ये प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स इट। आपके सामने स्लाइड्स लाई जाएगी और इसमें चंद स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे। कुछ ने व्हाइट शर्ट्स पहनी हुई हैं और कुछ ने ब्लैक शर्ट्स, ठीक है। और ये एक छोटा सा टेस्ट है आप सब लोगों के दर, आप गौर से देखेंगे। स्ट्रेस का मतलब है अटेंशन, यानी कितनी तवज्जो आप कम फोकस रख सकते हैं इसके ऊपर। आपने इस स्लाइड में व्हाइट शर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखना है, सिर्फ व्हाइट शर्ट्स के, और देखना है कि उन स्टूडेंट्स के पास कितनी बार बॉल आती है, ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपने काउंट करना है, फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास बॉल आती है तो वो व्हाइट शर्ट वाला दूसरे को बॉल देगा, तो दूसरा व्हाइट शर्ट वाले के पास देगी तो दो बार हो गया, फिर तीसरे को देगा, फिर चौथे को, पांच बार, और इस तरीके से आपने काउंट करना है कितनी बार व्हाइट शर्ट वालों के पास बॉल आती है, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी अटेंशन कितनी ज्यादा है। एग्जैक्टली आप मुझे बताएंगे कि कितनी बार व्हाइट शर्ट स्टूडेंट्स के पास बास्केटबॉल आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, आपने किया है कि
चीज़, हम तो बास्केटबॉल खेलते हैं, आपको इसमें गोरिल्ले नजर आ गए। देखो ये, हाँ जी, 13 कोई 17 फाइन ठीक है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ देखा तो ये वाइट और ग्रीन होगा, सब कुछ ठीक था। आप बताइए कितनी बार बास्केटबॉल दोबारा हो जी, कितनी बॉल उनके हाथ में गई? 14 बॉल दो ठीक है। जो आपने बताया 14 जी ठीक है, मैं समझ गया ठीक है। हम एक दफा फिर देखते हैं तो बॉल्स काउंट करने में लग गए, देखते हैं कि कितनी बार हुआ। और एक मिनट छोड़ दूँ, खुद कर देखते हैं कि कहीं कोई बहुत ही खतरनाक से कोई काम तो नहीं हो गया इस दौरान। दोबारा से करते हैं, दोबारा देखिए, रिवर्स कर दिया। Sidra noted that a gorilla is passing right in between. What is the message of this exercise? ये मैंने क्यों कराया? या ये स्लाइड क्यों दिखाई? It's very important. याद रखिए, ये अमन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। हम एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन आपको मालूम है कि बास्केटबॉल की बॉल्स को काउंट करना बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके साथ साथ हमें अपनी जान भी बचानी थी। एक गोरिल्ला वहाँ से गुजरा था, हमने वो नोट नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, वो गोरिल्ला कैसे नहीं गुजरा, छुप कर गुजरा? सामने देखा, वो सामने आया, उसने सीना पीटा आपके सामने, यानी उससे डल के की चोट पर गुजरा। हम अक्सर एक ऐसे पॉइंट की तरफ फोकस कर रहे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमारी जान ले। और बिल्कुल इसी तरीके से अमन का काम सकता है। आप अपने घर में देख लीजिए, बालोकात आप ऐसी एक काम के ऊपर वक्त लगा रहे हैं जिसका रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप दूसरे इम्पोर्टेंट काम का वक्त उसके अंदर लगाने में सर्व कर रहे हैं। मसलन एक साहब थे, वो कारखाना मार्केट गए और वहाँ से वो एक फ्लैट स्क्रीन टीवी लेकर आए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि देखिए लोग कहते हैं जी बहुत महंगाई है, देखिए $2,000 का टीवी है और मैं $1,800 में लेकर आया हूँ। चार घंटे सिर्फ लगा, मैंने $1,800 में ले आया। तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि जनाब वाला अभी भी आपको नुकसान हुआ है। वो पूछते हैं किस तरह? तो उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि आप $100 एन आवर कमाते हैं, पर घंटा $100 कमाते हैं आप, चार घंटे आप लगा कर आए हैं, आप $200 अभी भी नुकसान कर आए हैं। You understand? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी बाज़ औक़ात हमारा फोकस ऐसी चीज़ों पर होता है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन आप देखिए कि साथ में हो क्या रहा है, गोरिल्ला गुजर जाएगा और हमें उसका एहसास तक नहीं होगा। क़यामत का काम फिर बिल्कुल इसी तरीके से है, हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें तमाम पहलुओं को देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से गोरिल्ला गुजर जाए, और अगर गोरिल्ला को ये तो मैंने सिर्फ आर्टिफिशियली गोरिल्ला गुजार दिया है, अगर असली होता तो क्या होता? That would have been really terrible. So we need to understand that all the entire picture as a whole must be taken into consideration. तमाम की तमाम जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उन तमाम पर नजर रखना होगा ताकि तमाम चीजें बेहतर तरीके से हो जाए।
अगर आप अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में किसी तरह से अमन लाना चाहते हैं और एक दो फरीक को जो है आराम कर लेते हैं या उन्हें राजी कर लेते हैं, याद रखिए अमन फिर भी नहीं आना। होलिस्टिक अप्रोच इख्तियार करनी होगी, यानी हमने तमाम को देखना होगा। ऐसा ना हो कि वो लोग जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं कल वो गोरिल्ला बनकर आ जाएं, और वो एक वक्त होगा जबकि हम पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने चंद फैक्टर्स को क्यों गौर से देखा, तमाम को क्यों नहीं गौर से देखा। ये जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ है, ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है उसकी तरफ है। तजाद, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ये तमाम के तमाम कब से शुरू हुए, कोई कल की बात नहीं। लेकिन जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो मुसलमान की सोसाइटी में हम देखते हैं कि हाबिल और काबिल से झगड़ा शुरू हो जाता है। लिहाजा झगड़े की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी की इंसानियत है। और झगड़ा होता क्या है, हम इसको जीरो सम गेम कहते हैं। जीरो सम गेम का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक आदमी का टोटल गेन और दूसरे का टोटल लॉस। तो एक आदमी जब गेन करता है तो प्लस वन हासिल कर लेता है और जो लूज करता है वो माइनस वन कर जाता है। तो लिहाजा एक आदमी मुकम्मल तौर पर जीत जाता है और दूसरा आदमी मुकम्मल तौर पर हारता है। इस वजह से हम कहते हैं इसको कि जंग हो जाती है या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टर्म जो है सी आर जिसे कहते हैं, ये बहुत मशहूर हो गया कुछ अरसे में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता क्या है, ये बिल्कुल इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सी आर जिसे कहते हैं, conflict resolution is a process of working through opposing views in order to reach a common goal or mutual purpose. conflict resolution kise kehte hain, do mukhalif log hain wo aapas mein baat cheet karte hain aur mutual purpose ke liye ek hal nikalte hain, yani ek aisa hal nikalte hain jo wo dono mukhalif hain ek dusre ke, lekin jo hal nikalte hain wo dono ke haq mein hota hai. isko last jo slide thi jisme maine aapko bataya जीरो सम गेम, इसके मुकाबले में वो जीरो सम गेम नहीं होता बल्कि ये विन विन सिचुएशन होती है। यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक मसला है आपके और मेरे दरमियान में और हल क्या है उसका, कि सारा का सारा मैं कहता हूँ ये मेरा है और आप कहते हैं सारा का सारा मेरा है, तो अगर ये सारा आपके पास चला गया तो मैं आपका पक्का दुश्मन हो गया हमेशा के लिए, और अगर ये सारा मैंने ले लिया तो अब मैंने आपने छोड़ तो दिया लेकिन आप मेरे पक्के दुश्मन हो गए मुस्तकबिल के लिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कहता है, वो कहता है दुश्मनी को यही खत्म किया जाए लेकिन आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं, आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर आपने ये सारा ले लिया तो उसके पास क्या बचेगा। बाज़ोकात ये मसला ईगो का हो जाता है, यानी मैं अना का मसला है कि मैंने अगर ये सब कुछ छोड़ दिया तो मैं इसके सामने झुका मार जाऊंगा, छोटा नजर आऊंगा इसके सामने। याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि उस चीज को जीतना नहीं है बल्कि किसी तरीके से उस आदमी को अपना पक्का दुश्मन भी नहीं बनाना। तो वैसा कैसे होगा, वैसे तब होगा जब आप एक मसले का हल चाहते हैं और आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो मुल्कों के दरमियान झगड़ा है कश्मीर के मसले पर, एक कहता है सारा मेरा है दूसरा कहता है सारा मेरा है। अगर पाकिस्तान को सारा कश्मीर मिल जाए तो आपके ख्याल में जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में पावर में है वो दोबारा आएगी, तो उसके चाहिए कि वहीं पर खत्म कर दे अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे, अपने वजूद को ही खत्म कर दे। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद अगर आपने पूरा कश्मीर ले भी लिया तो क्या इंडिया आपका पक्का दुश्मन नहीं रहेगा हमेशा के लिए। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ऐसी ट्रीटी साइन हुई थी, एक तरफ उन्होंने सब कुछ ले लिया जर्मन से और उनको बहुत बेइज्जत किया, जर्मन हमेशा के दुश्मन बन गए और उसके बाद हिटलर राइज करता है और हिटलर फिर एक सबक सिखाता है उन तमाम लोगों को, फिर वो दूसरी जंग अजीम उनके ऊपर मुसल्लत कर देते। तो याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा हल जिसमें कि आप अपने मुखालिफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यानी आप पूरा कश्मीर मत नहीं, आप थोड़ा कश्मीर इंडिया के लिए भी छोड़िए ताकि वो हमारे पक्के दुश्मन ना बन जाए मुस्तकबिल के लिए। अब यहां से अंदाजा लगाइए हमारा पूरा कश्मीर इंडिया ने ले लिया, हम उनके पक्के दुश्मन हो गए हैं, आपके ख्याल में पूरा कश्मीर जब आप ले लेंगे तो वो आपके दुश्मन नहीं होंगे जैसे आज आप उनके हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कहता है, विन विन सिचुएशन, यानी कुछ आप ही लें कुछ मैं भी लूं, हम दोनों दोस्ती करते हैं इस मसले का हल निकालते हैं, लेकिन अहिंसा तक कभी दुश्मनी नहीं होगी और वो तब होगी जब वो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए आज मसला खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है आजकल बहुत ज्यादा इन है, हर शख्स इसकी बात कर रहा है। अमेरिका सरकार को 2001 में भी हमने ये एडवाइस की थी कि अगर आप अफगानिस्तान में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मामलात को बगैर जंग के हल करें, मामलात को जंग के बगैर किसी तरीके से इस तरह हल करें कि कहीं पर आपके पक्के दुश्मन न बन जाए। उन्होंने बात नहीं मानी, सारी दुनिया उनकी पक्की दुश्मन हो गई, अलकायदा भी और तालिबान भी। आज क्या हो रहा है,
आज वो कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज वो कहते हैं कि कतर में तालिबान को दफ्तर भी खोल देंगे, वहां पर वो रहे, हम जाएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। वो चीज जो 2001 में उन्हें समझा रहे थे उन्हें आज समझ आए। तो यू आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, इंसान बेहतर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को डील करना चाहता है। क्या करता है फिर इंसान, मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे साइन करता है, सीज फायर हो जाते हैं जंगों के दौरान, एग्रीमेंट साइन करते हैं, हैंडशेक, आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो काफी हद तक मसला हल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कंपोनेंट्स हैं वो जिनकी वजह से कि तो एक मसला जो है वो मैनेज कर सकते हैं हम, यानी उस इशू को हम मैनेज कर सकते हैं। ग्रेट लिसनिंग स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप दूसरे की बात सुनिए। अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं कि उसका मसला क्या है। जब भी अमरीका ने यह कहा है यदि हम तालिबान से अलकायदा से मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो आपको तो ये पता ही नहीं चल रहा कि उनका और आपके दरमियान इख्तिलाफ क्या है। आप अगर किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको तो यही पता नहीं चलेगा कि उसका इख्तिलाफ मुझसे क्या है। और वो शख्स कौन हो सकता है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो शख्स आपका भाई हो सकता है, आपकी मिसेज हो सकती है, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो इफ यू डोंट लिसन टू हर आप मसला कैसे हल करेंगे, जब आप उनसे सुन लेंगे। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां पर पेशावर में रहते हुए मुझे ये चीज सुनने को मिली, जब आप किसी की बात सुन लेते हैं तो अगला बंदा ये समझता है कि जी तुम उसकी बात मान गए हो। नो, इट इज नॉट द केस। आप उसकी बात गौर से सुनिए और फिर उसे बताइए मैं आपकी बात समझ गया हूं, अगरचे मुझे आपसे इख्तलाफ है। आप उसे बता दीजिए, लेकिन जितना आप उसकी बात को समझेंगे उतना आपके पास उस मसले के हल के तरीके आएंगे। ये बात कह देना कि जी मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाहते और आप सीरियस नहीं है इस मामले में। फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखिए एक मसला किस तरीके कितने तरीकों से हल हो सकता है उसमें मुख्तलिफ मूवमेंट्स रखिए। हम कहते हैं पूरा कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं पूरा कश्मीर हमारा है और हम फंस गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, अभी किसी का भी नहीं। तो आप कश्मीर का मसला हल करने के मुख्तलिफ डायमेंशन इख्तियार करें, मुख्तलिफ तरीकों से जाएं। आप इस तरह से कर लें, देखें इतना इतना पार्ट फलाने फलानी पॉपुलेशन का, ये आप रख लें, ये हमारा, ये हमें दे दें। इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजिकली आपका बनता है, यहां से स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए, ये हमें दे दें, ये आप रख लें। चलें ठीक है, हम कोई और स्ट्रेटेजी कुछ और कर लेते हैं, देखिए किस तरीके चिनार वो क्या है वो चिनार फार्मूला इख्तियार कर लें। यू नो लाइक द मोर फार्मूलाज यू गिव द मोर अदर पार्टी विल अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम rather than persisting it. So therefore, flexible. जब भी आपका किसी के साथ प्रॉब्लम हो आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तरीके के प्रोजेक्ट या मुख्तलिफ डायमेंशन से उसका हल लेकर जाइए। Willingness to change. याद रखिए इसमें कोई अना का मसला न बनाए। जब आप कहीं पर जाते हैं मसले का हल बन तलाश करने के लिए तो आप अना के गुलाम न बनिए। आप अगर वो शख्स आपको कन्विंस कर ले कि ये इसी तरीके से आप गलत कह रहे हैं, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिहाज से फिर मैं ये बता देता हूँ आपको इसी तरह से कहें। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता ही चलेगा कि ये शख्स वाकई चाहता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे गलत टाइम पर अना के लिए गैरत कर जाए कि आगे फिर हमें ट्रक के नीचे आना पड़े, वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। और ये चीज एक्सपोज हो जाती है जब आप अना के लिहाज से जब आप गैरत कर जाते हैं तो दूसरी पार्टी को भी पता चल जाता है कि अभी गलत कर गया लेकिन अभी बेवकूफ आदमी है, मान नहीं रहा है। तो इट्स गुड रियली टू सबमिट एट दैट वेरी टाइम। एग्री टू डिसएग्री, आप इस चीज से एग्री कर, उसे पहले से बता दें कि देखिए हमारे दरमियान एक डिसएग्रीमेंट है और ये हकीकत है कि हम दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ है और हमें इसको खत्म करना होगा। यानी कभी भी डिप्लोमेटिकली आप उसको मुख्तलिफ नोशन ना दें, उसको ये पता चलना चाहिए किस बात पर आपका उसका इख्तलाफ है। ऐसा ना हो कि उसको ये पता ही नहीं चले कि जी इख्तलाफ है हमारे दरमियान में तो किस चीज पर है। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी चीज का हल चाहते हैं तो आप उस शख्स से बात करें, उसको देखें और डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट रहे आपका उसके साथ ताकि उसको ये अंदाजा हो सके कि द पर्सन इज सीरियस इन रिस्पॉन्डिंग टू द इशू। फोर की कंपोनेंट्स, नंबर वन इज कंट्रोलिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, शायद पीछे वालों को नजर ना आ रहा हूं, कंट्रोलिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज। जब भी आप बैठे हो किसी से बातचीत करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं याद रखिए कभी भी गुस्सा ना हो। क्यों ही आप गुस्सा होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं आपका दिल बात करने लग जाता है, आपका दिल सोचने लग जाता है, आपका दिमाग बंद हो जाता है। देखें जज्बात
इमोशंस, लव, हेट, एंगर, ये तमाम चीजें यहां से नहीं होती, ये दिल से होती हैं। तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो उस दौरान में आप गुस्सा हो गए तो आपने दिल से बात करना शुरू कर दी, जो कि जज्बाती है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है, और दूसरा आदमी अकल से बात करता रहेगा, और तीसरा आदमी जो सुन रहा होगा वो एकदम से कहेगा ये ठीक कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए, आप देखिए जहां पर भी इमोशंस आएंगे वहां पर ब्रेकअप आएगा, वहां पर आपका आपकी लॉजिक जो है वो टूट जाएगी। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। रिसेंटली हुसैन हक्कानी टीम पर इंटरव्यू दे रहे थे, अमरीका में थे, और उनसे जब पूछा गया कि जी आपको कहा जा रहा है कि आप गद्दार हैं, आपके इस बारे में क्या ख्याल है, तो वो रो पड़े। आपने देखा, आपने देखा टीवी पर, वो रो पड़े। अब हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान को वॉशिंगटन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही कमाल के आदमी थे, उनका रो पड़ना उनको कुछ पसंद नहीं आया। इट इज अ गो विद हिम, अच्छा नहीं लग रहा था, क्या होना चाहिए था। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। एक आदमी जो पूरी कौम की खिदमत कर रहा है उसको गद्दार कह देते हैं आप, हो सकता है इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ कि रो पड़े आप, लेकिन पब्लिक के सामने आपको किसी सूरत में भी आंसू बहाने की इजाजत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे मौके पर? हुसैन हक्कानी क्या कर सकते थे? अपने किसी सेक्रेटरी को बीच में ले आते, और किसी सूरत में भी मीडिया से रब्ता ना करते, उनका सेक्रेटरी बीच में होता और उसे बताते कि जी आप लोग आपसे जब क्वेश्चन करें आप जाकर मेरे स्पोक्स पर्सन के तौर पर आप बोलें, या गेट अबाउट सेक्रेटरी वो अपनी बीवी को बताता, या आप अपने हस्बैंड को बताते कि जी मैं चूंकि इमोशनली डिसबैलेंस हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, लिहाजा आप जाइए मीडिया से बात करें, उन्हें बताइए कैसा ऐसा नहीं है। अब वो क्या सवाल हुआ, भाई आपको गद्दार समझे जा रहे हैं, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? उनकी वाइफ अब जवाब दे रही है, हरगिज नहीं, मेरे मियाँ ने कौम के लिए कितनी खिदमत की है, वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बिल पास कराए, इतनी इतनी बिलियन डॉलर्स की एड का जो है बिल पास कराए कांग्रेस से, ये बिल्कुल इल्जाम है, मेरे मियाँ वापस आएंगे और हर सूरत में वापस आएंगे और कौम के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि लाल माता वो खुद तो नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो वो बैलेंस्ड होगी या होगा आदमी। लेकिन हुसैन हक्कानी खुद सामने आए, खुद सामने आने की वजह से वो रो पड़े, और उनका रोना जो है वो पूरी कौम के लिए एक कमजोरी समझा गया। उसके बाद उन्होंने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी लेकिन वो तमाम की तमाम बेकार साबित हुई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी से निगोशिएट करें, जब भी आप किसी मसले का हल करने के लिए जाएं, वहां पर इमोशंस को कंट्रोल रखें। किसी सूरत में आपको रोना नहीं है, किसी सूरत में भी आपने गुस्सा नहीं करना। जो ही आप गुस्सा कर जाएंगे वहीं पर आपका दिमाग लॉक हो जाएगा और आपका दिल बोलने लगेगा, और दिल का मतलब ये है कि आप वो निगोशिएशन हार गए हैं। लिहाजा आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट है सीकिंग अंडरस्टैंडिंग। कोशिश करें कि किसी तरीके से मामलात को समझने की कोशिश की जाए, वो जो भी कह रहा है उसको गौर से सुने, उसकी बातों में मसले का हल निकाला जा सकता है। नंबर 3, आइडेंटिफाई नीड्स एंड कॉमन इंटरेस्ट। नीड्स एंड कॉमन इंटरेस्ट, आपके और उसके दरमियान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको और आपको दोनों को फायदा हो सकता है, वो चीजें आइडेंटिफाई की जाए। एंड सीकिंग म्यूचुअल बेनिफिट आर पर्पस, यानी दोनों को किन चीजों में फायदा होगा, वो चीजें कॉमन चीजें, वो म्यूचुअल चीजें जो निकालें आप, और उस वजह से आप उसको मजबूत करें कि देखें इससे आपका और मेरा दोनों का फायदा है, इसमें सिर्फ आपका फायदा मेरा नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तो इस वजह से वो आगे बढ़ेगा और वो आपसे मसले के हल की तरफ लेकर जाएगा आपको। ये एक सवाल आपके सामने मैं चाह रहा था, मैं लिख कर लाया कि आपसे पूछूं कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं या अगर आप किसी को सॉरी कह देते हैं तो मसला कैसे हल हो जाता है, क्या वजह होती है? अगर आपके किसी से झगड़ा है और आप एकदम से उठकर उससे हाथ मिलाने चले जाते हैं, या आप कोई नाराज है आपसे और आप उसको सॉरी कहते हैं और वो मसला हल हो जाता है, फिर वो कहते हैं चले ठीक है जी इसने माफी मांग ली, दैट्स इट, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? आप इसे कोई इसका जवाब दे सकते हैं? उनके दरमियान का कार्पेट होता है, जब भी दूसरे के पास जाता है तो जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। Well, the distance is minimized, he states that. Excellent, yes.
अगर आपका फॉल्ट है आप मान जाते हैं, दूसरा आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी को भी जब आप सॉरी कहते हैं, किसी को आप अपनी अपोलॉजीज ऑफर करते हैं, याद रखिए इट्स अ साइन ऑफ ग्रेटनेस, इट्स अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। और वो ग्रेटनेस वो आदमी मान लेता है, दूसरा कहते हैं राइट, अगर ये भी कहते हैं इसका मतलब ये कि ही एक्सेप्ट्स दैट ही कुड बी एट फॉल्ट, ही कैन मेक इवन अ मिस्टेक एंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग। यानी आप अपनी सबमिसिवनेस शो करते हैं और आपकी सबमिसिव नेचर जो है वो असल में आपकी ग्रेटनेस को शो कर रही होती है। इट्स जस्ट अ पैराडॉक्स, ये बिल्कुल अपोजिट है। यानी आप उसको शो कर रहे होते हैं कि मैं कितना आजिज आदमी हूं, आई एम सॉरी, हालांकि वो उस शख्स के दिल में आप एक अजीम आदमी के तौर पर उतर रहे होते हैं, और इस वजह से क्या होता है वो मसला हल हो जाता है। लिहाजा हमें इन चीजों की तरफ देखना होगा कि किस तरीके से मेरे एक हैंड शेक, इस तरीके से सिर्फ एक सॉरी कह देना कितना बड़ा मसला हल कर देगा। न सिर्फ ये कि वो मसला हल होगा बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए मैं एक अजीम आदमी के तौर पर उतर कर बैठ जाऊंगा। व्हाई कॉन्फ्लिक्ट इज नीडेड, हेल्प्स रेज एंड एड्रेस एनी प्रॉब्लम, एनर्जाइजेस रिलेशंस टू बी ऑन द मोस्ट एप्रोप्रिएट इश्यूज, इट हेल्प्स नेशंस बी रियल। ये मसले क्यों उठते हैं, इस वजह से कि इससे कौमें रियल नजर आती हैं, यानी हकीकतन ऐसा हो सकता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखी जा सकती है। इट हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंसेस। जब आप पुरअमन रह रहे होते हैं आपस में तो सब कुछ बेहतर हो रहा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट का होना ये भी बजाते खुद आपको बहुत सी चीजें सिखाता है, यानी एक झगड़े का होना ये भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। कोई शख्स भी आप किसी से झगड़ा कर लें, कोई शख्स भी आपके साथ हो, आपका दोस्त हो, सब कुछ अच्छा हो, सब ठीक रहता है, लेकिन अगर आप उससे झगड़ा करें और झगड़े के दौरान वो इंतहाई वाहियात गालियां देना शुरू कर दे, इससे क्या पता चलता है, यानी हमें उसकी इस फेस का पता ही नहीं, हमें उसकी इस फेस का पता ही नहीं था, हमें उसकी इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का पता ही नहीं था। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। एक साहब ऐसे हैं जिनसे आपका झगड़ा होता है तो खामोश हो जाते हैं, और एक साहब ऐसे हैं जिनसे आपका झगड़ा होता है तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं। अब ये दोनों काम हो गए आपके, ठीक है, तीसरी बार कहीं पर कोई बात हो रही है तो आप एक दूसरे साहब को क्या बताएंगे कि आप खामोश रहें, ऐसा मत करें, क्योंकि आपके इस तरह के झगड़ा कर देने से ये आपने रिएक्ट नहीं करेगा, ये चुप हो जाएगा। ये आपका लर्निंग, आपने पहले लर्न कर लिया था झगड़े के दौरान। यार एक और साहब हैं, उनके साथ जो ही झगड़ा हो शुरू होता है आप उनसे कहते हैं खामोश रहें, ये बहुत वायलेंट हो जाते हैं और मैं इस वक्त संभाल नहीं सकूंगा इन लोगों को। So that is also a learning process. लोगों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें भी हम। So therefore we say that it is not a new concept. It's as old as human phenomena. And it offers an alternative to a dangerous and threatening world. However, more focus is on how to do it rather than situational and contextual issues. यानी हमें ये देखना चाहिए कि मसले का हल कैसे निकाला जाए, ठीक है? और हमें ये देखना होगा उस लिहाज से कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, लेकिन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा सामने न रखिए, आप ये देखिए कि उसको हाउ टू डू इट, यानी उस मसले का हल कैसे निकाला जाए, उसकी तरफ हमने देखना होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके। गौर से देखिए इसकी तरफ, कोई एक लाइन इस जगह पर ड्रॉ कीजिए जिससे कि सिक्स आंसर आता हो। यहां पर कुछ ऐसा कीजिए कि सिक्स आंसर आता हो, सिक्स। इसके दरमियान एस ऐड कर दें, ओके, यस, ठीक है, गुड, ठीक, आपने भी बताया यहां पर, ठीक है। तो और दूसरा माइनस थ्री कर दें तो क्या हो जाएगा, नहीं एक एक देखिए माइनस और थ्री दो हो जाएगा, एक कुछ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, से एस ऐड कर देने से सिक्स हो जाएगा, एक क्लिक कर दिया एक सिक्स हो गया। कुछ और बताएं तो बात पीछे नहीं है, वन एक्सेलेंट, हु इज देयर, वन हु सेड दैट, वन इनटू सिक्स, प्लीज स्टैंड अप, दैट्स वन, दैट्स गो ऑन, क्लिक इट एंड वन, वन इनटू सिक्स। इससे पहले आपको क्या बताया था, डिफरेंट डायमेंशंस, कोई भी मसला जब पैदा होता है
उसको आप मुख्तलिफ डायमेंशन से लेंगे। पहली स्लाइड पर ले आए, देखें इसमें आपने क्या किया है, ये जो दो आंसर्स आए हैं सामने, इसमें क्या हुआ है, जिस फ्रेम ऑफ माइंड में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आप अगर इसके अंदर रहकर सोचेंगे ये कभी भी सिक्स नहीं बन सकता, है ना। एक लाइन ड्रॉ करें और सिक्स लिखा हुआ आ जाए, तो जब आप एस ऐड कर देने से, ये एस क्या ऐड किया, ये बिल्कुल इस बॉक्स से बाहर निकलकर इन बीबी ने सोचा या इन साहब ने सोचा, है ना ऐसी बात, या ये दूसरी मोहतरमा बता रही है कि जी 1 into 6 कर दें, 1 into, अगर ये 1 कह दें, इसको क्रॉस कर दें और 6, अदरवाइज ये क्या नजर आ रहा है, ये रोमन 9 नजर आ रहा है, अंडरस्टैंड, रोमन 9 नजर आ रहा है, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल कर इन दोनों ने सोचा है, मसले का हल निकल आया। याद रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा आपके सामने, जो प्रॉब्लम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आ रहा है, आप उससे बाहर निकलकर सोचेंगे, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे और वही सिचुएशन बन जाएगी, सारा कश्मीर हमारा है और दूसरा कहेगा सारा कश्मीर हमारा है, और फिर ये कभी भी हल नहीं होना। अंडरस्टैंड, तो इसलिए आप देखें कि वो फ्रेम ऑफ माइंड जिसमें आपका वो मसला है, आपको अपने आप को उससे बाहर निकालना होगा, उस बॉक्स से बाहर निकालें। इस स्लाइड से बाहर निकले आप तो आपको नजर आया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके आगे 6 ऐड कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट मींस 6, ठीक है, क्लिक कीजिए। Now, what are the responsible people? एक अमल कायम, जो conflict को resolve करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो जिम्मेवार होते हैं? Number one is the accommodator, the person who neglects his own concerns in order to satisfy the concerns of others. यानी एक आदमी जो अपने concerns को छोड़ देता है, दूसरों के concerns को satisfy करने के लिए आगे बढ़ता है, और हम उसे क्या कहते हैं? Accommodator. Accommodator कौन होता है? दूसरों को accommodate करे, अपनी बात छोड़ दे, दूसरों का ख्याल रखे। दूसरा कौन है? द कॉम्पिटिटर, द पर्सन हु परसूज हिज ओन कंसर्न्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पर्सन एक्सपेंस एट अदर्स एक्सपेंस, यानी वो अपने इंटरेस्ट को परसू कर रहा है, वो चाहता है मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है। एक अपना सब कुछ छोड़ देता है दूसरे को देने के लिए, और एक और शख्स है जो अपना अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है और दूसरे को छोड़ दूसरे के इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करता है। एंड द थर्ड वन इज अवॉइडर, द पर्सन हु इवेड्स और प्रोलोंग्स द सिचुएशन एंड नेवर एड्रेसेस द कॉन्फ्लिक्ट। एक आदमी जो मसले को लंबा करना चाहता, बार बार अवॉइड कर रहा ताकि आज ना हो, आगे बढ़ना चाहता। नंबर फोर, द कंप्रोमाइजर, द पर्सन हु गिव्स अप मोर देन द कंपटीटर बट लेस देन द अकोमोडेटर, द कंप्रोमाइजर, यानी वो ये अपना भी इंटरेस्ट नहीं छोड़ता, उसका भी सारा नहीं मानता, थोड़ा सा अपना छोड़ देता है, थोड़ा सा उसका मानता है, यू नो, ताकि उसको भी कुछ मिले और उसके जो सामने बैठा हुए मुखालिफ जो उसको भी कुछ ना कुछ मिले। तो कंप्रोमाइजर, द कोलैबोरेटर, और आखिरी कौन है? द पर्सन हु वर्क्स एंड फाइंड्स अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज द कंसर्न्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी वो तमाम मेंबर्स जो जो इस मसले में फंसे हुए हैं उन तमाम के ख्याल रखता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम कंप्रोमाइजर हैं या कोलैबोरेटर हैं। इससे पहले के जो तीन बंदे वो तीनों के तीनों गलत है। एक अपने इंटरेस्ट को छोड़ देता है, ये गलत है, अब तक कुछ फायदा ही नहीं हुआ नेगोशिएट करने का। एक दूसरे के इंटरेस्ट को ड्रॉप कर देते, अपने ही इंटरेस्ट को परसू करते, वंस अगेन दैट इज बैड। एंड द थर्ड वन इज अवॉइडर, वो मामले को लंबा करना चाह रहा है, छोड़ रहा है कि जी बातचीत हो ही ना पा। हमें इन दो में कुछ नजर आता है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए जी। देन व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट, पुअर आर नो कम्युनिकेशन, आप बात ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लीडरशिप प्रॉब्लम्स, अब ये मसला कि जी मैंने आपसे से बात करनी है, आप 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, मैं किससे बात करूं? आप में से एक लीडर हो सामने आए, मैं उससे बात करूं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि आपसे जो बात करने वाला आदमी कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूं। एंड देन लीडर इरेस्पॉन्सिबिलिटी, सो नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट मैटर, एंड देयरफॉर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से कि मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको के इन ड्यू रिस्पेक्ट रखा जाए ताकि मसला जो है वो हल हो सके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू आर जस्ट विटनेसिंग ऑन द स्लाइड, सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना होगा कि मसले का हल क्या, वो मसला क्या है। हम अक्सर उस आदमी को गौर करते हैं, आपने
यहाँ जब से पेशावर में आए हो तुम, एक एग्जांपल तो खादिम साहब खुद भी बैठे हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। यानी हम लोगों की तरफ ये है कि बाय पर्सन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक साहब थे, वो मुझसे मिले, मैंने इस्लामाबाद में मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ होते हैं, तो मैंने कहा जी मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, वो अजमत हयात वाली जी। और आप यकीन कीजिए ये बादशाह खान ट्रस्ट फाउंडेशन, मैंने किसी साहब को बताया कि जी मैं वहाँ पर, वो मुझे बुला रहे हैं, वो बादशाह खान ट्रस्ट फाउंडेशन जो है, एजुकेशन फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, वो खादिम हुसैन साहब वाला। तो लाइक व्हाई व्हाई इंस्टीट्यूशंस में वो पर्सनलाइज हो गए हैं, बंदों के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा इंस्टीट्यूशन को कैंसर छोड़ दिया। यानी आप इमेजिन कीजिए पेशावर यूनिवर्सिटी, और वो साहब मुझसे क्या कह रहे हैं कि वो अजमत हयात वाली है, वाइस चांसलर अजमत हयात है, वो है। ओके फाइन, सो हियर वंस अगेन द सेम प्रॉब्लम। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप मसले की तरफ तवज्जो नहीं देते, आप उस आदमी को ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। भाई आप इस इंसाफ को नापसंद करते हैं, दैट्स फाइन, ओके। इस वक्त हमें इस प्रॉब्लम को हल करना है, आप बार बार उन साहब को जो है टारगेट मत कीजिए। नाउ देयरफॉर वी से दिस, कॉन्फ्लिक्ट डजंट अकर इन अ वैक्यूम, सोशल एनवायरनमेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग। मेनी स्कॉलर्स से फोकस ऑन प्रॉब्लम्स नॉट ऑन पर्संस, कोशिश कीजिए आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस कीजिए और उसका हल निकालिए, उस आदमी की तरफ तवज्जो मत दें जिससे कि बातचीत कर रहे हैं। However, very important thing here, यानी जितने अभी तक जो कुछ मैंने बताया इस स्लाइड के लिहाज से बिल्कुल टेक्सुअल है, बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जिन्होंने ये सब कुछ ड्रॉ किया है। मेरे साथ एक और प्रॉब्लम था, जब मैं इन जगह पर किसी को बता रहा था तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे जो बात की मैं नीचे वो लिख चुका हूँ, और वो ये है कि एक साहब है और एक दूसरे साहब है जिन्होंने उसके घर के चंद बंदे मारे हो, चंद लोग मारे हो, कत्ल किया हुआ है। ये चीज बहुत मुश्किल है उस आदमी के लिए कि वो एक ऐसे आदमी से बातचीत करे जिसने कि उसकी फैमिली के चार बंदे मारे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली इन द सर्कमस्टेंसेस कि वो उस आदमी को इग्नोर करे और वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस करे। सो देयरफॉर हमें ये भी देखना होगा कि वो मसले की नेचर क्या है, और ऐसी सूरत हाल में हमें चाहिए कि ये देखें कि उन साहब को सीन से हटाया जाए, क्योंकि ये साहब इनकी पर्सोना इस झगड़े में एक रुकावट बन रही है और हमें हर रुकावट को हटाना होगा। हमें इनकी जगह इनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको लाना होगा ताकि उनसे बातचीत की जा सके। हम नहीं चाहते कि झगड़ा जो है प्रोलॉन्ग हो, हम चाहते हैं कि वो किसी तरीके से हल हो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम यहाँ पर देख सकते हैं और परख सकते हैं। मेरा जो आज की जो प्रेजेंटेशन थी, सबसे पहले जो पीस का कॉन्सेप्ट था तो मैंने आपके सामने डिफाइन किया, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी एक मसले को हल कैसे करना चाहिए, एक आदमी को किन किन क्वालिफिकेशंस की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा निगोशिएटर या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर साबित हो, मैंने आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन पिक करता हूँ अगले 10 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है हम उसको पर्सनल ले लेते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने बताया, जब भी आप देखें मैंने यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स की और ये चीज़ मैंने यहाँ पर ला कर रखी, अब एक और साहब आते हैं कहते नहीं कि ये उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इन्होंने यहाँ से इसलिए उठाई क्योंकि मैंने रखी है, दिस इज द प्लेस वेयर आई गो इन स्नोबिश, यू नो, मैं इगोइस्टिक हो जाता हूँ कि देखें ये मैंने रखी थी इस वजह। अब मैं इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि जिन साहब ने ये उठाकर वहां रखी है उनका मकसद इसको खूबसूरत नजर आना था, तो यहाँ ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी वहां होगी। तो वी टेक थिंग्स पर्सनल, हम अना के जो है ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बजाय इसके कि पॉजिटिव चीज की तरफ जाए वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो देयरफॉर आई से आई फुली सेकंड व्हाट यू स्टेटेड, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है?
उसकी वजह हमारी सोसाइटी है जहां पर कि हम सब लोग हैं अपने अब हम बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं इस लिहाज से। सर इस क्वेश्चन में आपसे क्लास में भी किया था सर, आपने कहा कि अगर अमेरिका निकल जाता है अफगानिस्तान से तो भी एक खाना बहुत बड़ी खाना जंगी का खतरा है, अगर नहीं निकल जाता तो ये जो रिसेंट हालात है ये भी खराब है। सर दोनों हालात में जो है ना अफगानिस्तान को और उससे जो मलेका पख्तूनों के इलाके इन दोनों को खतरा है। एक तरफ जो दो ग्रुप्स है अमेरिका और तालिबान जिन्होंने एक दूसरे के बहुत ज्यादा बंदे मारे हैं वो एक दूसरे से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सर मुज़ाकरात कहाँ तक कामयाब होंगे और अगर निकल जाते हैं तो हालात क्या होंगे, अगर नहीं निकल जाते तो कैसे कंट्रोल होगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यू आंसर्ड वन बाय वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड हियर। देखिए हम चाहते ये हैं किसी भी तरीके से कि ये जो तालिबान के साथ निगोशिएशन का प्रोसेस अभी अमेरिका ने शुरू किया, उन्होंने 2004 में प्रपोज किया था तो उनके साथ निगोशिएट किया जाए, लेकिन उस जमाने में अमेरिका सरकार ये चाहती थी कि किसी सूरत में भी इनसे बातचीत नहीं करें, उनको चुन चुन कर मारा जाए। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है और अभी भी मुमकिन नहीं है, फिलहाल सैनिटी हैज प्रिवेल्ड यानी बसीरत ने काम किया और अमेरिका सरकार ये मान गई है, लिहाजा उन्होंने कतर में अब दफ्तर भी खोल दिए, अब निगोशिएशन हो रही है। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं अमेरिका रश में यहाँ ना कर, रश में यहाँ से ना भागे, जल्दी में हैफेजर्डली पैकअप करें और भागे यहाँ से। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया था कि जी अगले चार सालों में मैं अफगानिस्तान छोड़ दूंगा। ये चीज हमारे लिए एक डिजास्टर होगी, जो कुछ भी हो चुका है वॉर ऑन टेरर के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हो चुका है यहाँ पर, वो तमाम का तमाम एक खास तरीके से अपने एंड तक पहुंचाना है। एक कहानी शुरू की आपने 2001 में और उसको अपने अंत तक पहुंचाना है, अगर ये कंप्लीट रह जाती है तो याद रखिए एक मॉन्स्टर बन जाएगा ये, और मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। जो मॉन्स्टर क्या होता है, आपने तालिबान से निगोशिएशन शुरू कर दिए, तालिबान एक बहरहाल एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है अफगानिस्तान की, उनको किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए, उनको नेशनल गवर्नमेंट में ले आया जाए, समहाउ एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, एक नेशनल गवर्नमेंट हो, अफगानिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान में बेहतरी होगी, पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम रहेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप को जो अफगानिस्तान में है छोड़ा ना जाए, क्योंकि अमेरिका जब चला जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, वो फिर हमारी तरफ बढ़ जाता है। नाउ वो चीज क्या है, मॉन्स्टर क्या है, किस तरीके से, देखिए हम इसे अंग्रेजी में फ्रैंकेंस्टाइन इफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकेंस्टाइन इफेक्ट किस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल तालिबान पहले जो है वो कंट्रोल थे और उसके बाद जो वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें एक हीरो होता है, वो एक विलन जो है बहुत ह्यूज सा ईविल बनाना चाहता है, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि वो ईविल जो है वो अलाइव हो जाएगा। एक तो ये है कि बहुत बड़ा सा जानवर है उसे मारकर उसको सींग लेकर आएगा, वो उसके सर पे लगाएगा उस ईविल के, और दूसरा ये कि एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है जैसे आपको पता है हीरो फिल्मों में होता है, उसकी वो उसका खून उसको काटेगा, उसका खून निकालेगा, वो उसके ऊपर डालेगा, तो वो ईवल जो है वो फिर उसके कंट्रोल में आ जाएगा उस विलन के। ठीक है ना, होता क्या है उस लड़की को भी ले आता है, बांध देता है और वो जो है उस जानवर को मार के उसका सींग निकाल कर उसके सर पर लगाता है, और वो लड़की को मार रहा होता है कि इस दौरान में हीरो आ जाता है और वो उसको मार देता है। नाउ व्हाट हैपेंस, वो ईवल जो था पहले तो वो डेड था, अब वो आधा तो जिंदा हो गया, अब वो पहले वो डेड था, अगर ये लड़की का खून जो उसके ऊपर मार देता तो इससे वो उसके कंट्रोल में आ जाता, तो ना वो किसी के कंट्रोल में वो ईवल, ना वो डेड है, बल्कि वो तीसरे रास्ते पर निकल गए और अब वो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, तो फिर हीरो और वो फिर एक और पूरी फिल्म है कि वो फिर किस तरीके से उसे मारते हैं। बट आई एम सेइंग इज दैट ये फ्रैंकेंस्टाइन इफेक्ट्स बन जाते हैं, यानी वो जो पहले थे वैसे नहीं रहते, ना आपके कंट्रोल में रहते, बल्कि वो सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। वी वांट दैट America must complete its project, and that project is Taliban must be accommodated in the mainstream of national politics of Afghanistan, so that they may not raise their heads and they may not go once again terrorizing the society. Sir, my question is that what's different between conflict and dispute? We have a same meaning to both of them, conflict and dispute, and they both have got the origin from the tazad, some difference of opinion from each other. Khayalat ke takrao, tazad, all these are the things. In different words, in different concepts, we have taken the meaning differently.
for example, when it comes to some kind of the difference of opinion, we say it conflict. When it is dispute, we go for political definition of the term. Please. Go on. अल्लाह साहब ने कहा कि तालिबान को गवर्नमेंट में लाया जाए अफगानिस्तान में उसको एकोमोडेट किया जाए। सर आपका पर्सनली क्या ख्याल है, अगर उसको हुकूमत में लाया जाए, उसको पावर दिया जाए, तो कम से कम उस वक्त तक तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक अमेरिका यहाँ होगा। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद जब इन्हीं तालिबान के साथ पावर होगा, तो आपका क्या ख्याल है, वो ठीक ठाक इसी तरह रहेंगे या वही सलूक करेंगे जो सलूक उन्होंने 1996-98 डॉक्टर नजीब के साथ किया था और उनको सरेआम पांच सीटें। आपका क्या है देखिए, जो तालिबान जिस 1990s के थे, उनमें और अपने बहुत फर्क है। उस जमाने में ये लोग इमैच्योर थे, इन्होंने अपना पूरा मुल्क और अपनी पूरी हुकूमत जो है वो एक आदमी के हैंड ओवर करने की वजह से तबाह करवा दी। आजकल वो हमेशा खास को से कह रहे हैं कि हमारा अलकायदे से कोई ताल्लुक नहीं, तो पहले कह देते तो शायद आज की तारीख डिफरेंट होती। इस वक्त वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि उन्होंने अकोमोडेट करना है, यानी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी अकोमोडेट करना है। वही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो अफ्रीका और तालिबान के दरमियान जो है बड़ा पूरा असर जा रहा है। यानी वो ये मानने को तैयार है कि हम कार्रवाई गवर्नमेंट के साथ तब काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब वो ये काम कर रहे थे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। और ये चीजें क्या बताती हैं, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताती हैं जिसके जरिए कि हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ किस तरीके से सियासी मैच्योरिटी आती है इन ग्रुप्स में। जिसमें कि हम सब लोगों की रजा है, जो कुछ हो रहा है यहाँ पर पूरा तरीके से हो रहा है और इसमें हमारी रजा है। नेगेटिव पीस वो है जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के जमाने में था, इसमें कि मारधाड़ थी, लोगों को जोरी से जो है दबा कर उनको जो है पुरअमन रखने की कोशिश की जा रही थी। आपको मालूम है कि 1998-99 तक जब तालिबान की हुकूमत रही, वहां पर बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो बड़ा बेहतरीन तरीके से रहा। तो उसकी वजह क्या थी, प्योरली डिक्टेटरशिप, किसी हर तरह के कत्ले आम जो है वो करके उन लोगों को खामोश रखा जा रहा था। तो आई एम सेइंग इज दैट पॉजिटिव पीस इज द पीस ऑफ द सिविल सोसाइटी, द पीस ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड। एक पुरअम तरीके से मसाइल का हल है, उसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, गुड ऑफिसेस, इंक्वायरी डिफरेंट टाइप्स हैं। और एक जो है फोर्सिबल है, फोर्सिबल का मतलब ये कि आप दूसरे को जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, उस पर उसके ऊपर जंप होप देते हैं, इस तरीके से मसले का हल निकलता है। मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ किस्म के हम तरीके जो है वह अपनाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाए ये हमें देखना होगा, किस वक्त किस मुल्क पर हमला करना चाहिए। जब आपको मालूम है कि एक सेब जो है वो छुरी से कट सकता है, तो आप उसको तलवार लाकर उसकी इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है। तो इस वहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर जो चीज पुरअम तरीके से हल हो सकती है, बेहतर ये कि हम उसको पीसफुल मींस ऑफ सॉल्यूशन में वहां पर अप्लाई करें। और जो जगह ऐसी है जहां पर कि हम एक हार्ड हैंडेड हॉटी किस्म का आदमी हम देखते हैं जो कि किसी सूरत में मामला की नजाकत को नहीं देख रहा और दुनिया के अम से खेल रहा है, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि वहां पर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए ताकि ऐसे आदमी को एक सजा दी जाए। Last question.
तालिबान अपने मफादों पर लगे थी जंग कई अमेरिका अपने मफादों पर लगे हो पाकिस्तान में लगे रहे दो मत के खोजोड़ा हो शुआ कब्जे के जरिए शुन मफादों पर जंग हो या बेगुनाह कबायल चिप के शहीदान की गई आया दाव कबायल व दाखल एक माफ की आओ कब्जे के जरिए शुन बात तरह से शिकार हो कि जानियों माली नुकसान नहीं शुरू तो देखे खो बेगुनाह कबायल शहीदान शुरू दो बच्चे जवाब ये दो कब्जे के जरिए सिंगर रोजी Thank you so much. It's a very good question once again. आपने जो सवाल पूछा मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई वो भेड़े बकरियां जो हैं वो कबाइल हैं तो वहाँ पर जंग हो रही है बनाए हैं उन्होंने मैं बात पूरी कर लूँ भेड़े बकरियां जो वो कबाइल हैं वहाँ पर जंग हो रही है जंग मार रहा है और जनाब तालिबान भी मार रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी भी मार रही है ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे मौके पर क्या ख्याल है आपका हमने खासतौर से इसमें देखा अभी की प्रेजेंटेशन में कि इसके अंदर एक लीडरशिप की कमांड होनी चाहिए यानी आप ये बताइए कि इस जगह पर ट्राइबल एरिया की लीडरशिप कहाँ है ट्राइबल एरिया के लोग कहाँ पर हैं खासतौर से पश्तून की फितरत में ये चीज रखी गई है और ये देखी गई है कि वो जब भी कहीं बाहर से कोई बंदा आता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं हमें अभी तक ट्राइबल एरिया के लोगों के कट पर नजर नहीं आ रहा है हमें उनकी कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है जिसके जरिए कि वो तीनों मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकें यानी हमें अभी तक नजर आ रहा है कि वो तकसीम है आपस में कुछ लोग तालिबान से मिले हुए हैं कुछ लोग पाकिस्तान आर्मी से कुछ अमरीका से मिले हुए हैं कुछ कुछ हैं कुछ कुछ हैं तो इसका मतलब कि वो खुद ही तकसीम हुए हुए हैं इसमें सबसे खूबसूरत चीज कैसे आ सकती थी कि तीनों फैक्टर्स होते तमाम के तमाम सातों एजेंसियों के लोग जो इकट्ठे होते और अपना एक जगह बना लेते यदि हमारा ये डेलीगेशन होगा ये सात एजेंसियों के लोग हैं और इनकी टोटल पॉपुलेशन 25 है वो लोग जो के उनसे बात ही करेंगे वही 25 लोग पाकिस्तान आर्मी से बात करें वही अमेरिका से बात करें और वही तालिबान से बात करें कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए प्रॉब्लम ये है कि तमाम इस पूरे फैक्टर में पूरे के पूरे प्रोसेस में जो पाटा में जो हो रहा है हमें सबसे कमजोर फैक्टर जो नजर आता है वो ट्राइब्समैन का अपना रोल है वो खुद इंतहाई कमजोर रोल प्ले कर रहे हैं काश ऐसा होता कि वो इस मौके पर यूनाइटेड होते और एक डेलीगेशन बनाते और वो ये कहते कि हम आप तीनों से इकट्ठे बात करना चाहते हैं आप तीनों आपस में दुश्मन हैं हमारे लिए आप तीनों एक ही हैं आप सामने बैठिए और हम बात करते हैं कि मसले का हल क्या निकाला जाए हमें उन तीनों में का जो रोल है बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है जहां जंग हो रही है और जो होस्ट हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं उन्हें ये चाहिए था कि वो तीनों कमजोर होते और होस्ट तेज होते ताकि वो उन तीनों को डिक्टेट करा रहे होते ये इट इज जस्ट वाइस वर्सा and that is one of the big reasons that ye sab kuch ho raha hai sir dr shakil afridi hai dr shakil afridi hai sara aaj jo hai wo osama aur lambon ne lagaya tha aap to mante na america iske piche hai jab dr shakil ne iska sara lagaya to isko kyun pass di ja rahi hai usko kyun sada di ja rahi hai उन्होंने उसामा का पता लगाया आपकी फौज ने नहीं लगाया आपके ईसाई ने नहीं लगाया अमेरिका ने लगा और डॉक्टर शकील ने लगाया उसका सवाल डॉक्टर शकील ने जो कुछ भी किया उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ आप बताइए अमेरिका को हुआ जब अमरीका तालिबान को मार सकता है जब अमरीका यहाँ से आकर उसामा बिन लादेन को ले जा सकता है तो डॉक्टर शकील को भी बचा ले Thank you, sir. The question on the session is over. I'll take your questions over.